हेलो बच्चों, मैं हूं अर्षद सर, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको 9 का टॉपिक पढ़ा रहे थे, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर एंड द लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। इसको इसके कई पार्ट होते हैं, इसके एक पार्ट है सिंप्लीफाई बाय। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरणीकरण, किसी को सरल करना है, उसको आसान लैंग्वेज में बदलना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या होता है। पहला क्वेश्चन जैसे 1 है, 4+√3 इंटू 4-√3, इसको सिंप्लीफाई करना। देखिए इसके दो रूल है, पहली चीज ध्यान देखिए, बहुत ध्यान दिएगा। एक आपका फार्मूला होता है a+b a-b, आपने एलजेब्रा में क्लास 7th-8th में पढ़ा है, 9th भी आप पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे, a²-b², ये आपकी आइडेंटिटीज होती है, a²-b²। देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटीज लग रही है कि नहीं लग रही है, ये a, ये भी a है, प्लस b, प्लस माइनस b। अगर इसको इस आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा a²-b²। किस आइडेंटिटीज के हिसाब से ये है? तो 4 का स्क्वायर जो हो गया 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3, इक्वल टू कितना आ गया 13। क्लियर हुआ? अब इसका एक तरीका और है, अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं आते तो क्या करेंगे, वो भी आपको ध्यान दो। इसका दूसरा तरीका है, आपको हर चीज़ हम सिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपकी 9th में तो है ही है, उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जब आप करेंगे, आपके घर में कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन कर रही है, तो उसमें ये चीज़ का यूज़ है। अगर आपके घर में कोई बड़ा भी है तो आप उससे कह दीजिए ये चीज़, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। ये सिर्फ 9th के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी ईजी है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप फार्मूला भूल गए तो क्या होगा, एक आपने फार्मूला पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उससे कहते हैं बंटन नियम, हिंदी में कहते हैं बंटन नियम। तो इसका मतलब होता है एक का मल्टीप्लाई ऑफ सी प्लस डी से प्लस बी का मल्टीप्लाई ऑफ सी प्लस डी से, तो इसका इससे मल्टीप्लाई, वही रूल हम यहाँ लगाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4-√3 से प्लस √3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 4-√3 से, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16-4√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4√3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3, ये चीज़ कैंसिल हो गई, 16-3 इज इक्वल टू 13। क्लियर हुआ? अगर ये आइडेंटिटीज बन रही है तो इससे कर लिए, अगर आइडेंटिटीज नहीं बन रही है तो हमें ये लगाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन तैयार हुआ, अब इसी को हम सॉल्व कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने दिया है, √7-√5, दूसरे में है √7+√5, ए प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटीज लग रही है, तो ये फार्मूला बनेगा a²-b²। ये हो गया आपका a², ये आपका हो गया b², तो √7 का स्क्वायर होता है 7 और √5 का स्क्वायर होता है 5, 7-5=2, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 2, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 3 आई है, इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी चीज़ है, ये आपका बेसिक है, जब बेसिक आप पढ़िएगा तो इसके आगे जब आप पढ़ाइएगा, इसके बाद वाला टॉपिक जो होगा उसे कहते हैं रेशनलाइजेशन, उसमें इस चीज़ का यूज़ होगा, इसलिए आपको ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। अब तीसरा क्वेश्चन है √2+1² अब देखिए आइडेंटिटीज, अभी आपको एक हमने बताई थी a²-b² बराबर होता है a+b और a-b, अब यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज होगी a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर होता है a²-2ab+2ab+b², अभी एक इसके बाद वाले में आपको आइडेंटिटीज यूज होगी a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a²-2ab+b². क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज हो रही है, तो ये फार्मूला बन रहा है a², कौन सी आइडेंटिटीज यूज हो रही है, a+b का होल स्क्वायर, a²+2 a(b+b², √2 का स्क्वायर हो गया 2,
प्लस टू इंटू रूट टू प्लस वन, इसको ऐड कर देंगे, थ्री प्लस टू रूट टू। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया थ्री। देखते रहिएगा, आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ध्यान दीजिएगा, सेम चीज़ है, अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर भी हो सकता है, होल क्यूब भी हो सकता है, अभी आपको मिलेगा क्वेश्चन। यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज़ हो रही है वो क्या बन रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला खोलिए, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। रूट फाइव का स्क्वायर हो गया फाइव, माइनस टू इंटू अंडर रूट ऑफ टेन। देखिए ये दोनों सर्ट्स इक्वल है, सर्ट्स इक्वल है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, फाइव और टू सेवन, सेवन माइनस टू अंडर रूट ऑफ टेन। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ सेम क्वेश्चन थे, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँचेंगे, फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है फोर रूट ऑफ 28 डिवाइडेड ऑफ फोर रूट ऑफ 16। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दिएगा, ये क्यूब फोर है, जो ये चीज़ लिखी होती है अंडर रूट टू, या इसको हम अंडर रूट टू भी लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ थ्री है, ये फोर रूट ऑफ है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्ट्स और हिंदी में कहते हैं करणी। क्या कहते हैं, दोनों आपको लैंग्वेज वालों को आना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं सर्ट्स और हिंदी में कहते हैं करणी, करणी घात कहते हैं। ये करणी घात, ये सर्ट्स अगर इक्वल है तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं फोर रूट ऑफ 28 बाय कितना 16। अगर सर्ट्स इक्वल नहीं होते तो इसको हम सर्ट्स को इक्वल करते हैं। अब देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किससे सॉल्व हो रहा है, फोर से। क्या हो जाएगा, फोर रूट ऑफ सेवन बाय फोर। क्लियर हुआ? अब इसको अगर हम लिखना चाहे अलग अलग लिख दिया या ऐसे लिख दिया, क्लियर है? अभी और सॉल्व करेंगे, लेकिन कब आप सॉल्व कर पाएंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर आपके इसका पार्ट पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। यहाँ पे आपके लिए आंसर इतना ही, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में आइए, अंडर रूट ऑफ 14 इंटू अंडर रूट ऑफ 21। देखिए यहाँ सर्ट्स इक्वल थे, यहाँ भी सर्ट्स इक्वल है, टू लिखिए या अंडर रूट टू लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, बस टू होता है वो हम लिखते नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे देखिए सर्ट्स इक्वल है, सर्ट्स इक्वल है, तो हम एक साथ लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 14 इंटू अंडर रूट 21। अंडर रूट ऑफ 14 का फैक्टर जब करेंगे तो 2 इंटू 7, और 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 7। ये पेयर बन गया, क्या बार आ गया आपका 7 बार आ गया, अंदर क्या बचा आपका 2 इंटू 3। तो 7 इंटू, जब ये चीज़ बाहर नहीं निकल रही है, पेयर नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा रूट 6। भाई स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो दो के पेयर बनाते हैं, क्यू रूट के निकालने के लिए तीन तीन के पेयर बनाते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? अब क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, क्यू रूट ऑफ टू इंटू फोर रूट ऑफ थ्री। लॉजिक समझिएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सर्ट्स इक्वल नहीं है, सर्ट्स इक्वल नहीं है, तो अब इसको सर्ट्स इक्वल नहीं है, तो इसको सर्ट्स इक्वल करते हैं वो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए हमको। ये अल आपका हो गया क्वेश्चन, ये अलग करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, क्यू रूट ऑफ टू इंटू फोर रूट ऑफ थ्री। देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लिखना चाहें तो टू की पावर वन बाय थ्री लिख सकते हैं, इंटू थ्री की पावर वन बाय फोर लिख सकते हैं। ये सब पहले वाला टॉपिक जो हमने पढ़ाया था, कौन सा, इसी टॉपिक का एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर है, कौन सा था, लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, उसमें हमने ये रूल बताया था। इससे पहले वाला टॉपिक आप जो हमने लोड किया है यूट्यूब पे, आप वो ज़रूर पढ़िएगा, जब भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि मैथ में हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है।
इसलिए सीरियल से हम धीरे धीरे क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखें ये डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, 1/3 और 1/4 डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, 3 4 12 4 3 12, तो 4/12 और ये हो जाएगा 3/12। तो 2^1/3 को लिखेंगे 4/12 और 3^1/4 को हम लिखेंगे 3/12। ये सर्ट्स आ गया, 2^4 मल्टीप्लाई है, ये आपका आ गया सर्ट्स 3^3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो आपका सर्ट्स है वो इक्वल आ गया, ये आपका आ गया 2^4 इंटू 3^3। 2^4 का मतलब 2 × 4 = 8, 8 × 16 आ गया, और 3^3 का मतलब 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फोर थ्री टू, इसको मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि यहां पर पियर नहीं बाहर आ रहा है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 7th। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दिएगा जब डिनोमिनेटर बराबर नहीं होता तो ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है √22। देखिए सर्ट्स इक्वल है, सर्ट्स इक्वल है तो 4 × 22 लिख सकते हैं। अब 4 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2, 22 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 11। अब हमें यहाँ देखिए क्यू रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यू रूट। तो कितने कितने के पेयर बनाएंगे, 3 के, ये पूरा बन के पेयर बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, अंदर बचा √2 × 11। अब ये चीज सॉल्व नहीं हो पा रही, जब नहीं सॉल्व हो पा रही है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √33। ये सिंप्लीफाई हो गया, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9th, क्लियर हुआ बेटा? अब इसको क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, फिर से ध्यान दीजिएगा। √ये इसको सॉल्व करें, पहले उतारे √2, 4√2 और 12√32, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है, या मल्टीप्लाई में। इसको अगर हम लिखेंगे तो 2^1/3 मल्टीप्लाई और 2^1/4 और 32^1/12। देखो यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर आपको बतानी है, जो ये बेस होना चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये 2^ किसी बन नहीं रही, ये हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2^1/3 इंटू 2^1/4। इसको अगर हम लिखेंगे 32 जो होता है वो होता है 2 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, 2 से करोगे 8 आएगा, 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करोगे 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2^5^1/12। तो 2^1/3 इंटू 2^1/4 इंटू 2^5/12। अब हम इन तीनों के एलसीएम लेंगे, किसके एलसीएम लेंगे, 1/3, 1/4 और 5/12। इसका एलसीएम जो आया वो आया 12, एलसीएम लेने से बच्चों को आता होगा। 3 × 4 = 12, तो 4 आ गया, 4 × 3 = 12 और 12 × 1 = 12, तो उसको लिख सकते हैं 4/12, 3 और 5/12। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको हम लिख सकते हैं 2^4/12 इंटू 2^3/12 और इसको हम लिख सकते हैं 5/12 को हम लिख सकते हैं 5/12। अब ये सर्ट्स जो आ गया वो 12 यहाँ आ गया, 2^4 इंटू सर्ट्स यहाँ आ गया, 2^3 सर्ट्स यहाँ आ गया, 2^5। देखिए सर्ट्स इक्वल है, अब सर्ट्स इक्वल आ गए तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 2^4 इंटू 2^3 इंटू 2^5।
अब देखिए अगर यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट वाला फार्मूला लगा, अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, 5, 4, 12 और 3, 12 रूट ऑफ 2 की पावर 12 आ गया। अब ये 12 का पीआर बनाना है, पूरा ये पीआर बन जाएगा, आंसर कितना आया 2। ये चीज समझ में आएगी नहीं आपको, इसको एक बार ध्यान से देखिए आप, फिर समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये चीज डिनोमिनेटर जब तक के सर्ट्स इक्वल नहीं होगा जब तक के हम सॉल्व नहीं कर सकते, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर सर्ट्स इक्वल थी, सर्ट्स इक्वल थी तो हमने कर लिया, यहाँ सर्ट्स नहीं इक्वल है तो हमें सर्ट्स इक्वल करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई? अब क्वेश्चन नंबर 10th, 4 रूट ऑफ 28 डिवाइडेड ऑफ 4 रूट ऑफ 7th, 4th रूट ऑफ 7th। देखिए भाई यहाँ पे देखिए सर्ट्स जो है करनी है वो इक्वल है, इक्वल है तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, 4 रूट ऑफ 28 बाय 7, 4 रूट ऑफ 4। अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे हो सकता है ध्यान दीजिएगा, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 1 बाय 4। एक्सपोनेंट और आइडेंटिटी जैसे पहले वाले चैप्टर जब हमने करवाया था पहला आपका उसी में उसी का यूज है, तो जाएगा 2 की पावर 2 × 1/4। सिंप्लीफाई कर दिया, 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2 को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2। ये क्वेश्चन नंबर 10th तो आपका कंप्लीट हो गया। अब एक दो क्वेश्चन और लगवा देते हैं, ये 15 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, इसको सेम क्वेश्चन लगाइएगा तो आइएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, अंडर रूट ऑफ 32 माइनस अंडर रूट ऑफ 64 माइनस अंडर रूट ऑफ 16, ठीक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हम मान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट ये भी आपको बता देते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म में होता है और ये चीज़ आपको जो अंदर होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन यही है। अब अंडर रूट ऑफ 32 के जब फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 16 आएगा, 2 से करेंगे 8 आएगा, 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करो 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, ठीक। इसको कोशिश करिए, अलग अलग कर लिए ज़्यादा बेटर है आपके लिए, गलती नहीं होगी। स्क्वायर रूट निकालना है, ये पीयर बन गया, ये बाहर आ गया अंडर रूट ऑफ 2, तो आ जाएगा 4√2, इसकी आंसर आ गई अंडर रूट 32। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 64 को सॉल्व करेंगे, 64 को जब करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये पीयर बन गया, ये पीयर बन गया, ये पीयर बन गया, 2 × 2 × 2 कितना आ गया आंसर 8। अब जब 16 को करेंगे अंडर रूट ऑफ 16 का करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, 2 × 2 = 4। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे कितना, 4√2 माइनस अंडर रूट ऑफ 64 की जगह रखेंगे 8 माइनस इसकी जगह रखेंगे 4। देखिए फैक्टराइजेशन आपका, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म होता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन किसी से भी हो जाता है, तो ये तो सर्ट्स वाला है तो सर्ट्स का सर्ट से होगा, ये -8 और -4 कितना हो जाएगा -12। अब इसमें भी कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो आ रहा है, अगर इसको करेंगे फैक्टर 4 × √2 − 4 × 3, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 4 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच्चा √2 − 3। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, क्लियर हो बेटा? अब ये हमने 11 क्वेश्चन अभी आपको हमने लगवा दिए, इसी बेस पे हमने 15 क्वेश्चन आपको घर के लिए दिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हुआ? अगर आप लोग को हम लोग का पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।